दूसरे फेज में जिन 20 सीटों पर मतदान होने हैं उसमें से एक सीट है कोल्हान की पोटका। इस सीट पर अब तक सरदारों का कब्जा रहा है। एक बार फिर बीजेपी ने मेनका सरदार पर दांव खेला है, तो जेएमएम की तरफ से संजीव सरदार है, यहां का हाल बता रहे हमारे सहयोगी प्रभात। चुनाव का बिगल बज चुका है। मैं इस वक्त हूँ पोटका विधानसभा के क्षेत्र में, और ये जो क्षेत्र है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र में यहाँ की एकता का एक तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए हमारे पीछे ये मंदिर है, हालांकि ये जो बस्ती है ये पूरी मुस्लिम बस्ती है, लेकिन वहाँ पर ये मंदिर कहीं ना कहीं एकता की एक बात मिसाल पेश करता है। और इस बाजू भी हनुमान मंदिर है, और ठीक इसके पीछे मुस्लिम लोगों का एक मस्जिद भी है। कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जो भाईचारे और एकता का जो नज़ारा यहाँ साफ देखा जा सकता है। ये सामने ये मस्जिद है, समझ सकते हैं कि लोग यहाँ नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होता है, और इस बाजू में मंदिर है, यहाँ राम की गुणगान भी होती है और हनुमान जी की भजन भी बजता है। तो विधानसभा का चुनाव है, निश्चित तौर पर ये जो क्षेत्र है ये इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो भूमिज लोगों का दबदबा रहा है। स्थानीय विधायक मेनका सरदार हैं, जो 3 बार से विधायक रहे, चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उनको चुनौती देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संजीव सरदार को इस क्षेत्र में उतारा है। विधायक है क्या, विधायक आप लोग के क्षेत्र में घूमी है क्या, लगता है कि क्षेत्र में क्षेत्र में कभी यहाँ आया नहीं है, घूमता नहीं है, कहीं नहीं, कहीं बाजार आते बाजार से चले जाते हैं और कुछ उसका काम नहीं है। यहाँ कभी घूमे नहीं पूरा मोहल्ला में, अब कहाँ कहाँ है नहीं है उसको कुछ मालूम ही नहीं है। ये देखिए विधायक हैं मेनका सरदार, इस क्षेत्र में नहीं आती है, बाजार तक आती है, वहाँ से चली आती है। निश्चित तौर पर ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आप अभी बता रहे थे पानी, जैसे लोग बता रहे हैं कि जल मीनार बना है लेकिन पानी नहीं मिल रहा, क्या कारण मानते हैं? कारण हम तो खरीद के पानी पीते हैं भाई, यहाँ पर 15 रुपये बोतल। यहाँ गरीबी समस्या बहुत हम लोग का, और हम लोग का जो विधायक जी है किसी कोई भी टाइम में आते भी नहीं है, कभी घूमते भी नहीं, कभी पूछते भी नहीं बस्ती मोहल्ला में। हमने पहले आपको दिखाया मुस्लिम बहुल क्षेत्र का नज़ारा, अभी आपको दिखाते हैं ये पोटका का हाता चौक है। यहाँ से ये जो सीधा एक रास्ता जाता है ये सीधा जाकर उड़ीसा को जुड़ता है, और इस तरफ जो है ये चाईबासा को जाता है, सरायकेला चाईबासा, और इधर जाता है घाटशिला। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पोटका का विधानसभा क्षेत्र है कितना महत्वपूर्ण ये है। चुनाव के मायने से समझा जा सकता है कि जिस तरीके से ये पोटका में जो माइंस है, माइंस के अलावा गोल्ड माइंस है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं, लोग समस्याओं को उजागर भी कर रहे हैं। और यहाँ पे इस बार के चुनाव में भाजपा से मेनका सरदार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से संजीव सरदार हैं, और आसू पार्टी ने भी इस बार अपना प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि गठबंधन नहीं होने के कारण। और जो बुल्लू रानी सरदार जो जिला पार्षद है वो इस बार अपना किस्मत आजमा रही हैं। तो निश्चित ये कह सकते हैं कि जो सरदारों का जो वोट है वो बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा इस चुनाव में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है किस नज़रिया से देखते हैं, क्या विधानसभा का चुनाव है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या इस बार का जो चुनाव होने वाला है, दो दो सरदार खड़े हैं, बुलू रानी खड़ी हैं, तो क्या लगता है कि जो वर्तमान विधायक हैं वो इस क्षेत्र में काम किए हैं? देखिए अपना अपना काम जो किया ठीक है किया, हम तो दूसरे पार्टी के, हम किसी पार्टी का पार्टी से नहीं हम पूछ रहे हैं, हाँ बताइए, हम दूसरे पार्टी के, हम तो है ना कांग्रेस के, इसीलिए हम किसी का बुराई नहीं करेंगे। जो जैसा काम किया उसको नतीजा मिलेगा, अगर अच्छा काम किया उसका अच्छा नतीजा आएगा। कोई ने विकास किया तो अपने वोट देगा, कोई विकास नहीं किया तो उसको वोट नहीं मिलेगा। तो कॉलेज होना बहुत जरूरी है, डिग्री कॉलेज, इसीलिए कि इस क्षेत्र का जो स्कूल बच्चे हैं टाटा जाना पड़ता है, चाईबासा जाना पड़ता है या कहीं जाना पड़ता है, इस डिग्री कॉलेज एक तो बहुत ही जरूरी है पोटका प्रखंड के लिए। ये देखना है कि पोटका की जनता किसे अपना सरदार बनाती है।